बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्यों बेटा, फिर निकाले गए ना? देख यार, मजाक मत कर, मेरा मूड बहुत खराब है। क्या हुआ वकील साहब? अब होना क्या था, 6 महीने का किराया रह गया था, आ गया कमबख्त तोता राम एक मूजी पहलवान को लेके, और सामान वही वकील साहब के बाहर। बैड, वेरी बैड। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ जगत, मुझे मत रोकना। कैसे रोक सकता हूँ दोस्त, मेरे पास तो अब कर्जा देने के लिए एक पैसा भी नहीं। खैरात के लिए तो कुछ होगा। हाँ, एक खोटी ध्वनि है, तू ले। थैंक यू यार, थैंक यू। अगर तू इस वक्त यहाँ नहीं होता तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। थैंक यू जगत। अलविदा दोस्त। अलविदा। अलविदा। सुन यार जी, मेरी समाधि पर कभी कभी फूल चढ़ा दिया करना। घबराए नहीं वकील साहब, जिन लोगों के केस लड़कर आपने उनको जेल खाने पहुंचाया है, वो और उनके रिश्तेदार आपकी समाधि पर फूल भी चढ़ा देंगे और घी के चिराग भी जलाएंगे। बदमाश। अच्छा देख जगत, मैं मकान की तलाश में जा रहा हूँ और ये मेरा सामान पड़ा है। अगर मुझे मकान मिल गया तो तुझको टेलीफोन कर दूंगा, सामान लेके चले आना। टाटा। चेहरे मोहरे से तो शरीफ घराने का मालूम होते। जी हाँ। लेकिन फिर भी मुझे पिछले मालिक मकान का हवाला चाहिए। हवाला? जी हाँ, उनका साटी टिकट आपके बारे में। साटी टिकट नहीं समझते आप? सर्टिफिकेट। साजी किबला, उनका सर्टिफिकेट लेने तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्या अर्ज करूँ, अच्छे खासे थे, एक छींक आई भगवान का नाम लिया और परलोक को सिधार गए। नाम था तोता राम। खैर, उससे पहले वाले मालिक मकान का सर्टिफिकेट टिकट तो आपके पास जरूर होगा। अजी किबला, उनका सर्टिफिकेट ही तो लेने गया था। फिर क्या हुआ? मौलाना मुसल्ला बेचारे नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में जो गए तो सर नहीं उठाया, कलमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप वकील हैं या मौत का फरिश्ता? मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से, मुझे अल्लाह को प्यारा नहीं होना। खुदा के बदल से 4 बीवियाँ हैं मेरी। माशाल्लाह, आपकी 4 बीवियाँ हैं, खुदा जाने कब बखेड़े खड़े हो जाए। मैं वकील हूँ, काम आऊंगा आपकी और आपकी औलाद की। बात समझ में आती है, जाइए दिए मकान आप। जी शुक्रिया। जुम्मन खां, आमा हो जुम्मन खां। आए सरकार। देखो दिगंबर बाबू के नीचे वाला हिस्सा वकील साहब को दिखा दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। और सुनिए जी, आपके ऊपर वाला हिस्सा बाबू दिगंबर नाथ का है, उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। जी हरगिज नहीं, मैं तो बहुत प्रेमी आदमी हूँ। बस यही नहीं, दिगंबर बाबू को प्रेमियों से बड़ी नफरत। ओहो, आप समझे नहीं नवाब साहब, मेरा मतलब है मैं बहुत शांति पसंद हूँ। ओहो, क्या कह रहे हैं आप, अगले साहब को भी शांति पसंद थी, दिगंबर बाबू ने मार मार के उनका सर तोड़ दिया। शांति की तरफ तो भूल के भी नजर न डालिएगा। जी हरगिज नहीं। समझे? शुक्रिया नवाब साहब। ये क्या? सॉरी जमान, दिखाओ कमरा। अब मिसाल के तौर पर लीजिए। हाँ, अब मिसाल के तौर पर इस नालायक लड़की को लीजिए। ये जरूर तो काली सी मोटी सी भैंस टाइप की लड़की मेरे सर के ऊपर कूद रही है। जरा ठहरिए, मैं कानूनी कार्रवाई करके अभी हाथ धोऊं। बदमाश, गुंडा, लफंगा। जी वो तीनों यहाँ नहीं रहते, किसी ने गलत बता दिया होगा। आगे देखिए। ए मिस्टर, ये शरीफों का मोहल्ला है, यह लफंगापन किया तो अंजाम बुरा होगा, समझे? कितना बुरा? धक्के देके निकाल दिए जाओगे। कौन देगा धक्के? मैं दूंगी। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। हर धक्के पर एक नया शेर कहूंगा। बदतमीज कहीं के। अरे वाह, ये तो सारा खानदान हथियार बांध के चला आया, झाड़ू छड़ी सब कुछ है। खैर छोड़ी झगड़ा शांति देवी, मेरा नाम है रमेश कुमार, BALLB वकील हाईकोर्ट। आइए तशरीफ रखिए। मैं तशरीफ रखने नहीं आई, मैं इस बदतमीजी का मतलब पूछने आई थी।
ये बास बात क्या हुई शांति देवी कि आप ऊपर नाच रही थी और धूल नीचे गिर रही थी। मैं जब छत की मजबूती देखने गया तो ऐसा मालूम हुआ। उनको आता है प्यार का गुस्सा, मुझे गुस्से का प्यार आता है। ऐसा क्या करती है, ऐसा क्या करती है? दफा 313 में चली जाएंगी आपको, सिंगल जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। कोई क्या नहीं, मैं तुम्हें ऐसा मजा दिखाऊंगी। अरे रे ठहरो ठहरो, ये क्या हो रहा है, क्या मामला है? बाबूजी न जाने कहां से नवाब साहब ने इस गुंडे को यहाँ ला कर रखा है। मैं ऊपर नाच रही थी और इसने नीचे से छत में बांस घुसेड़ दिया। आकर पूछती हूँ तो गंदी बातें करता है। क्यों जनाब, ये क्या हरकत है? नमस्ते बाबूजी, आप शायद थके हुए हैं, तशरीफ रखिए। रहने दीजिए मेरी तशरीफ को, जहाँ है। मैं पूछता हूँ ये क्या हरकत है? हरकत तो आप देख ही रहे हैं, पूछने की क्या जरूरत। अच्छा, 104 ऊपर से सीना जोरी? जी नहीं, नीचे से सीना जोरी। बड़े छटे हुए गुंडे मालूम होते हो। नहीं छटे हुए, वकील हूँ वकील, चारों तरफ मेरी वकालत के झंडे गाड़ाएं और एक उनमें से लाके मेरी छत में गाड़ा है। जी रहने दे बेटी इस बात को, यूं ही मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अगर जेल न भेजा तो मेरा नाम नहीं। आप बेकार तकलीफ करते हैं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? आप क्या कहेंगी पुलिस को? मैं कहूंगी कि तुमने नीचे से छत में बांस घुसेड़ा। और मैं कहूंगा कि आपने ऊपर से नीचे बांस घुसेड़ा। मैंने घुसेड़ा? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं तो यही कहूंगा। और आपके पास कोई सबूत नहीं? कोई सबूत नहीं, बदमाश लफंगे ठहर तो सही। बाबूजी आप गुस्सा न कीजिए, आपको खून का दौरा पड़ जाएगा। आइए चले, इस बदमाश के मुंह न लगे, मैं इसे देख लूंगी। मेरा ख्याल है यही बेहतर है। शट अप। मगर बाबू दिगंबरनाथ, बात क्या हुई? वो तो बड़ा शरीफ आदमी है। शरीफ? अरे याद रखिए नवाब साहब, जब तक वो बदमाश उस मकान में मौजूद है, कोई भला आदमी वहां नहीं आ सकता। मगर बाबूजी आप मकान को छोड़ते हैं, मैं उसे निकाल दूंगा। जी नहीं शुक्रिया, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर चुका हूँ। ये रही आपके मकान की चाबी। नमस्ते। जुम्मन खान, हमें जुम्मन खान। जी हजूर। देखिए उस वकील के बच्चे की हरकत, कमबख्त ने आते ही 20 साल पुराना किराएदार निकाल भगाया। जरा जाना तो। शुक्रिया माइनॉर, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर दयाल का कहना है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर प्रेम कुमार ने सुखदेवी का अगवा किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है माइनॉर। मेंबराने जूरी, देखिए मिस्टर प्रेम कुमार की तरफ, क्या ऐसी भोली और मासूम सूरत का इंसान दुनिया में कोई जुर्म कर सकता है? हरगिज नहीं। सुखदेवी अपनी खुशी से मिस्टर प्रेम कुमार के साथ गई। लॉर्ड, शायद वकील सिफाही इस बात को भूल रहे हैं कि सुखदेवी एक नाबालिगा है। डॉक्टर की रिपोर्ट इस बात को साबित कर चुकी है। और एक नाबालिगा को उसकी माँ बाप की इजाजत के बगैर ले जाना एक संगीन जुर्म है। वकील सफाई को इस बारे में कुछ कहना है? बालिग और नाबालिग का सवाल एक बड़ी नाजुक सी बात है मिलॉर्ड। मिसाल के तौर पर आप एक आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतनी सी बात मिलॉर्ड के जिस उम्र में हमारे देश की लड़कियां जीवन के सारे फराइज समझने लगती हैं, उसी उम्र में दूसरे देशों की लड़कियां बिल्कुल नासमझ होती हैं। मेंबराने जूरी, अदालत को फैसला करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि सर देश का कानून गर्म देश में लागू नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो देश भर के हजारों प्रेमियों का जीवन उजड़ जाएगा माइलॉर्ड। लोग मोहब्बत गीत गाना बंद कर देंगे। दैट्स ऑल माइलॉर्ड, मुझे और कुछ नहीं कहना है। फैसला आपके हाथ में है, आप चाहे मोहब्बत को जिला दें, चाहे उसका गला घोट डालें। मिलाओ हाथ, मेरी जान मुकदमा जीत लिया है। अभी फैसला तो हुआ ही नहीं। अरे अभी होता है, तुम्हारी महबूबा का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा। देखते नहीं जज साहब मुस्कुरा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मुद्दई और मुद्दालय के बयान सुनने के बाद यह अदालत फैसला करती है कि मुसम्मा सुखदेवी को उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाए और प्रेम कुमार वल्द राम कुमार को अगवा के जुर्म में 2 साल कैद बमशक्कत की सजा दी जाती है। तुम्हारा हाथ तुम्हारी महबूबा के हाथ में होगा। आ जाते हैं काला कोट पहनकर। ओह आई एम सॉरी माय बॉय, तुमने बड़ी कोशिश की लेकिन केस ही कुछ टेढ़ा था। अजी किबला, तकदीर ही ऐसी है, केस मिला है तो टेढ़ा, मालिक मकान मिला है तो टेढ़ा, यहाँ तक लड़की मिली है वो भी टेढ़ी। बड़े मस्त इंसान मालूम होते हैं। अच्छा तो मिस्टर रमेश रमेश, बाय बाय।
माफ कीजिए, मैं आप लोगों को मकान नहीं दूंगा। हम लोगों में क्या बुराई बाबू साहब? आप लोग नाहक मेरा सर खा रहे हैं। मैंने कह दिया कि आप लोगों में से किसी को मकान नहीं दूंगा, किराया देंगे। मैंने तय कर लिया कि मकान दूंगा तो किसी बूढ़े को, जवान को नहीं। आप लोग तशरीफ ले जाइए। आप कौन साहब हैं? ये खाकसा नाचीज को वजाहत मिर्जा के नाम से याद करते हैं। शहर लखनऊ का ही बाशिंदा हूँ। तकदीर कमजोर, पाँव में बेड़ियां जाल के वतन से परदेश ले गई। वापस आकर देखता हूँ तो शहर ही बदल चुका है। ना इंसान मिलता है ना मकान। एक अजीज ने आपका पता देकर यहाँ भेजा है। किस्मत आजमाई के लिए हाजिर हुआ हूँ, जहमत मुआफ फरमाइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। शुक्रिया। बैठिए मिर्जा साहब। शुक्रिया। इलायची खिलाऊं? जी इलायची जी नहीं, शुक्रिया। ये मिर्जा साहब है बेटी, मकान के लिए आए हैं। ये मेरी बेटी शांति है मिर्जा साहब। नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। क्यों बेटी? मेरे ख्याल में मिर्जा साहब ठीक रहेंगे। बाबा बाबा, मुझे यकीन था कि अजीजा जरूर यही कहेगी। जियो जियो अजीजा। मिर्जा साहब, सच पूछिए तो हमें आप ही जैसे बुजुर्ग की तलाश थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नसीब। मगर कमरा हम पेइंग गेस्ट की हैसियत से देना चाहते हैं। पेइंग गेस्ट? किबला, ये पेइंग गेस्ट क्या चीज है? यानी कमरे के साथ फर्नीचर हमारा, खाना और नाश्ता भी हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। अंधे को क्या चाहिए दुआ से? कृपया मुझे तो आप जैसे लोगों की तलाश थी। और किराया होगा 100 रुपए माहवार। बस, क्या जुल्म करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। तो मंजूर है ना आपको? मंजूर? कमाल करते हैं आप। दिगंबर नाथ जी, इलायची खिलाऊं? जी मेरा सामान टांगे में पड़ा है, मैं लेके आता हूँ। जी रहने दीजिए। शांति बेटी, मिर्जा साहब का सामान कमरे में रखवा दो। और देखो, आज से कमरे की सफाई तुम्हारे जिम्मे। दिगंबर नाथ जी, आपकी खातिर देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने ससुराल में आ गया। बड़े मजाकिया है आप। अजी अबे, तो आपने देखा क्या है? कमाल है। इलायची खिलाऊं? मुझे खुशी है कि आपने अपने कॉलेज के सालाना डिबेट का अंदाज बिल्कुल अदालत जैसा रखा है, जहां के दो वकील आमने सामने बहस करते हैं। बहस का मसला यह है कि शादी को कामयाब बनाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, दौलत या मोहब्बत। दौलत और मोहब्बत के तरफदार अपनी अपनी राय पेश करें। जनाबे सदर और हाजरीन, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है और हर मसला दिल की बजाय दिमाग से तय किया जाता है। दिमाग जानता है जीवन का हर सुख दौलत के सहारे। दौलत ही इज्जत है, दौलत ही ताकत, दौलत ही ईमान, दौलत ही भगवान। और अगर दिमाग का फैसला सही होता है तो शादी के लिए मोहब्बत की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत। जनाबे सदर और हाजरीन, किसी दिलवाले ने कहा है, मोहब्बत से दुनिया में सब कुछ हसीन है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से सवाल करूंगी, शादी जैसे प्यारे संबंध को सोने चांदी के धागों से बांधना कहाँ की अकलमंदी है। शादी दो इंसानों का जीवन साथ है, दो आत्माओं का मेल। ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं जहाँ नफा नुकसान देखा जाए। आप ये कहना चाहती हैं मोहब्बत करने वालों को दौलत की जरूरत नहीं? जी नहीं,
सिर्फ इतना, मोहब्बत को दौलत की चाहत नहीं है, ये सौदा है दिल का तिजारत नहीं है। अरे जी इसका मतलब है कि अपना चांद है। शांति देवी भूल रही है, खाली पेट न मोहब्बत होती है और न शायरी। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि कामयाब शादी के लिए किसी दौलतमंद बूढ़े से नाता जोड़ना कहीं बेहतर है, बनिस्पत किसी निकम में नौजवान के जो चांद तारों की सैर करा सकता है, पेट की आग नहीं बुझा सकता। और जब पैसे के लिए किसी बूढ़े से नाता जोड़ा जाता है तो जवानी खून के आंसू रोती है, दुनिया के सारे आराम जहरीले नाक बनकर डसते हैं। मेरा ख्याल है प्यार के सहारे सारा जीवन फटे कपड़ों में काटा जा सकता है, लेकिन प्यार खोकर दौलत के सहारे पल भर भी जीना मुश्किल है। जिस मोहब्बत पर मेरे दोस्त को इतना नाज है वो सरासर दीवानगी है, बेकार इंसानों का काम। अगर ये सच है तो सावित्री ने क्यों ताज छोड़ा, सीता ने क्यों बनवास लिया, पद्मिनी क्यों आग में जल मरी, मीरा ने क्यों जहर का प्याला पिया, कोई तो सुख होगा। वरना मोहब्बत की मारी दम तोड़ते समय ये न कहती, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन किया। मीरा ने ये भी कहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। मेरी दोस्त पुराने किस्से पढ़कर वक्त की पुकार भूल रही है। आज जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल मोहब्बत नहीं, पैसा है, रोटी है, कपड़ा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये जरा हीरा है, उस वक्त ये शबनम होती है। अरे क्या तुमसे कहूँ दुनिया वालों, क्या प्यार की दौलत होती है, हर दाग जिगर एक हीरा है, हर अश्क का कतरा मोती है। अरे पापों से उड़े जब हो सपने, हम आँख लड़ाना भूल गए, अब पेट बजाते फिरते हैं, हम प्यार का गाना भूल गए। जब प्यार के बंदे हो बैठे, दुनिया का फसाना भूल गए, अब होश की बातें मत पूछो, हम होश में आना भूल गए। सुभान अल्लाह। इस मुकाबले की जीत के बारे में जजों का फैसला मैं आपको सुनाता हूं। पहला इनाम मिस शांति, दूसरा इनाम मिस चंचल। मुझे अफसोस है आपको दूसरा इनाम मिला, हालांकि मेरी राय में आपके ख्याल ज्यादा सही हैं। अगर आपको मेरे ख्याल पसंद है तो समझिए मुझे पहला ही इनाम मिला। आइए दयाल साहब। क्या देख रही हो चंचल, कितनी दौलत है जालिम के पास और फिर भी शादी नहीं की। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जिससे शादी करेंगे। चंचल दयाल साहब तुम्हारे बाप के बराबर हैं। तो क्या हुआ, अच्छा तुम्हें दौलत इतनी प्यारी है कि उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं। शादी में उम्र जाहिर लड़कियां देखती हैं। किसी दिन रोना पड़ेगा सर पकड़कर। आप अपनी फिक्र कीजिए, ऐसी मोहब्बत की मतवाली है तो जाइए पकड़िए किसी भिखारी का हाथ, लेकिन दूसरों को लेक्चर ना दीजिए। मुझे क्या पड़ी है, शौक से पकड़िए किसी मरियल बूढ़े का हाथ। शट अप यू शट अप। शाबाश, एक मेरी तरफ से भी जोर से। ए नीचे उतरो। अभी ठहर यार, मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। हवलदार साहब, कहिए हवलदार साहब, क्या हाल है? हाल चाल बहुत अच्छे हैं। चलिए कहाँ, थाने। थाने वहाँ क्या रखा है, ये तो वहाँ चल के पता चलेगा थाने में क्या रखा है। लेकिन हवलदार साहब,
अंदर खून हो गया है। हो गया है जी हाँ, एक लड़की ने दूसरी लड़की को मार डाला है। मार डाला? बिल्कुल खत्म कर दिया। ऊपर जाके देखिए ना। ऐसा क्या? जल्दी हवलदार साहब, बड़ा नाजुक मामला है। मैंने क्या बोला? क्या मैच खेला है आपने? जवाब नहीं आता। आपकी कितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे नहीं सुनना कोई तारीफ। जाइए यहाँ से। जहाँ आपको जाना है। मुझे भी वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है। अमीनाबाद। आइए पहुँचा देता हूँ। हाय 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 हाय, क्या हजब करती हैं, आपके नाजुक पांव दुख जाएंगे, लंबा रास्ता है। ओह ओह, अब तो मेरा पीछा छोड़िए। छोड़ दिया, जाइए। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, जवाब तुम्हारा नहीं, जवाब तुम्हारा नहीं। अब फिर कब मुलाकात होगी? आखिर
शांति ने फंसा ही लिया तुम्हें। देखो जगत, शांति के बारे में फिर कभी ऐसी बात नहीं करना। मैं उसे शादी करने वाला हूँ। शादी करने वाला? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। सच? ये बात हुई ना कुछ? जी हाँ। और देखो शांति, जब मिजर साहब को दूध देने जाओ तो किराए की बात कर देना। मुझे तेरी दीदी को पैसे भेजना है, और पैसे अगर वक्त पे ना पहुंचे तो तेरा शराबी जीजा यहाँ आ धमकेगा। कल तक किराया मिल जाना चाहिए। हाँ, अपने बाबूजी से कहो किराए की फिक्र न करें, कल ही बैंक से रुपया भुना कर अदा कर दिया जाएगा। अरे अजीजा, कहाँ चली? बैठो ना, जल्दी क्या है? और एक लफंगी को मारते मारते छोड़ा। लफंगा कौन था? वो क्या चाहता था? जाने क्या चाहता था, रास्ते में मिला और घर तक पीछा नहीं छोड़ा। जरूर कोई सच्चा प्रेमी होगा। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो उसकी सूरत से नफरत है। नफरत? नफरत मोहब्बत की पहली शेरी है अजीजा। होगी, मैं चाहती हूँ वो मेरा पीछा छोड़ दे। आप कुछ नहीं कर सकते? तो नहीं, आपके वो जो आए तो मुझे बुला लेना, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बेटा जिंदगी भर याद रखेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छी बात है। आप तो नाराज होती हैं शांति देवी। क्या लेता हूँ आपका? इतनी दूर से आया हूँ तो बात नहीं करके चला जाऊंगा। मुझे नहीं करनी कोई बात, खैरियत चाहते तो फौरन चले जाओ। माफ कीजिएगा, जितनी आप सुंदर हैं उतनी गैर शायराना। जरा सोचिए तो शांति देवी। हाँ वरी सारी, जरा सोचिए तो कितनी अनोखी है ये मुलाकात, ये रात की खामोशी, ये तन्हाई, और ऐसे में किसी अजनबी का किसी हसीना से आके मिलना। आप जाते हैं या नहीं? बिल्कुल किसी अफसाने के हीरो हीरोइन की तरह, आमने सामने। दिल धड़क रहा है, आरजू बेचैन है, लेकिन होंठ खामोश है। नजरें मिलती हैं लेकिन रात से पहले छुप जाती हैं। मेहरबानी करके आप चले जाइए। पहले जरा मुस्करा दीजिए। नहीं, मुस्करा दीजिए, मुस्करा दीजिए। नहीं। तो फिर मैं भी नहीं जाता। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नींद हराम हो गई है। मिर्जा साहब, क्या बात है अजीजा? मिर्जा साहब, वो फिर आ गया। कौन आ गया? वही लफंगा, जिसकी वजह से हमने पिछला मकान छोड़ा। पिताजी को जगा नहीं सकती, गुस्सा करने से उन्हें दारा पड़ जाता है। फिक्र न करो अजीजा, मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूँ। चलो चलो, चलेगा, चलिए चलो चलो। तो भैया
आजीजा, मैं आज उसका कीमा बना देता हूँ। तुम पे ना लायक मजदूर किस लिए आया है यहाँ शैतान? मैं शांति देवी से मिलने आया हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कैसे किया वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती? कोई जबरदस्त किया है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है मौलाना, वो मेरी ना हुई तो मैं जान दे दूंगा। जान तो तेरी वैसे भी जाएगी, निकल यहाँ से, निकल। निकल नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा, निकल। शैतान कहीं का हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अभी तो इतना खून बहाया है, मैं खून की नदी बहा दूंगा। और करेगा? ठहर तो जा मिर्जा के बच्चे, अब मैं तेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करूंगा। देता है मजदूर, मैं तेरी चमड़ी उधेर दूंगा। उस्ताद गामा का चेला हूँ। अजीजा तू ठहर, तू ठहर। अजीजा मार डालो मुझे, मेरी चमड़ी उधेर दो, नहीं छोड़ूंगा मोहब्बत। शांति देवी के नाम पर जान दे दूंगा। अभी जान बाकी है? अब दिखाता हूँ तुझे उस ताकि हाथ। अरे मार डाला मिर्जा के बच्चे ने मुझे, मार डाला। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब बस कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है अजीजा, तो ये बोल पड़े जाते हैं। उसे मार डाला? मरा तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो है कहाँ? मैंने उसको खिड़की के नीचे फेंक दिया है अजीजा। अजीजा तू बोलती है। मैंने कब कहा था इतना मारने के लिए? इतना क्या बड़ा पाप किया था? सिर्फ प्यार ही तो करता था, आप आदमी नहीं करता ही है। अजीजा, अजीजा मुझसे नाराज है अजीजा? जी नहीं मिर्जा साहब, क्षमा कीजिएगा, रात को मैंने बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, मुझे खुद अफसोस है कि मैंने ऐसी हरकत की। बेचारे की बुरी नाजुक हालत है। आप मिलाए हैं? कहाँ है वो? वो गली के मोड़ पर मूर्तियों की दुकान है ना, वहीं पड़ा है बेचारा। मुझे लगता है उसका घर बार कोई नहीं, मर गया तो क्रिया कर्म कौन करेगा? ये नहीं चलता आप बुढ़े। माशाल्लाह आप भी तो बिल्कुल जवान हैं। है
माफ कीजिए देवी जी, आज मैं कोई मूर्ति नहीं बेचूंगा। मेरा दोस्त मौत के मुंह में और मैं बिजनेस करूँ हरगिज नहीं। जी मैं मूर्ति खरीदने नहीं आई हूँ, मैं उनसे मिलने आई हूँ। क्या नाम है आपका? शांति। शांति, अच्छा तो आप ही हैं वो जिसने मेरे दोस्त को एक बेरहम मिर्जा से पिटवाया। अब और क्या चाहती हैं आप? नाराज ना हो, मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? माफी किससे मांगिएगा? उसने तो कल से आंखें भी नहीं खोली। मुझे उन्हें देखने तो दीजिए प्लीज। ओके चलिए। देखा अब तो ठंडक पड़ी आपके दिल में। रोने से क्या फायदा, अगर सच्ची हमदर्दी है तो इसके पास बैठिए, कुछ सेवा कीजिए। ये अकेला है, पास बैठिए, मैं जरा डॉक्टर को ले आता हूँ। जाइए, मैं यहीं बैठी। अच्छा मैं कहाँ हूँ? आप दुकान में हैं, मूर्ति की दुकान में। तू कौन है? मैं शांति। शांति, तू शानो है, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? ये मेरी आंखों के सामने कैसा अंधेरा है भगवान। आप लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं, मुझे अपने शानों को देखना है, मुझे अपने शानों से मिलना है। शांति तो आपके पास है रमेश बाबू, आप क्यों परेशान हैं? मेरे पास शांति? मेरी शानों मेरे पास? ये भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तूने मेरी सुन ली? मुझे यकीन नहीं आता। शानों मेरे पास आओ। होश आ गया, इन्हें होश आ गया। हाँ यार, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। Thank you.
बाबूजी? बहुत अच्छी। ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत लंबी नींद लेकर उठा। बहुत लंबी नींद, दो दिन दो रात। दो दिन दो रात? जी हाँ, आप सोते रहे और मेरी दवाई असर करती रही, और आपका बेटा दिन रात आपकी सेवा करता रहा। मेरा बेटा? जी हाँ। क्या नाम है उनका? रमेश बाबू। हाँ रमेश, वो मर्दूद अभी तक इस मकान में है? वो मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर साहब, वो बहुत खतरनाक इंसान है। दिगंबर बाबू, वो ना होता तो आपका बचना ही मुश्किल था। वो आपका बेटा ना सही, लेकिन आपकी बीमारी में जिस तरह उसने सेवा की है, वो एक बेटा भी नहीं कर सकता। हाँ बाबू जी। बाबू जी, रमेश साहब ये चिट्ठी दे गए। पढ़ तो बेटी। बाबू दिगंबर नाथ जी, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। मैंने जो कुछ किया वो किसी मजबूरी के कारण। काश कि मैं वो मजबूरी आपको बता सकता, लेकिन शायद अब उसकी नौबत ना आए, क्योंकि मैं आपका मकान छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी नादानियों को क्षमा कर दीजिएगा। आपका दास रमेश। दास का बच्चा मेरा किराया लेकर भागना चाहता है? दौड़ तो बेटी पकड़ के लाओ उसे। जब तक वो किराया नहीं चुकाता, इस मकान को खाली नहीं कर सकता। जा बेटी, अभी दूर नहीं गया होगा, पकड़ के लाओ उसको। रमेश कहाँ है? मेरे प्यारे दोस्त जगत, जब ये चिट्ठी मिलेगी मैं पानी की सरद गोद में सो रहा हूँगा। मेरा जीवन मेरे कंधों पर बोझ है, मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। मैं अपनी मौत से गले मिलने जा रहा हूँ, उसी ठंडे तालाब में जो मेरी शांति के घर के सामने है। मेरी तरफ से जाके शांति से माफी मांग लेना। तुम्हारा दोस्त रमेश और आप यहाँ आराम से बैठे उसे मिलने भी नहीं गए। अब जाने से फायदा भी क्या, वो तो कब का मर चुका होगा। भगवान से क्या मांग रही थी? पहले तुम बताओ। मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया। बस सब कुछ प्रभु से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। शानो, मैं जानता हूं तुम्हें पत्नी रूप में पाना मेरे लिए कितना कठिन है, लेकिन आदमी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज उसके बूते के बाहर होती है उसी को पाने की वो सबसे ज्यादा कोशिश करता है। क्योंकि भगवान को पाया नहीं जा सकता, इसीलिए इंसान अपना सब कुछ देकर भी उसे पाने की कोशिश करता है। चाहती क्या भगवान मेरी प्रार्थना मान लेंगे? आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, जवाब मिल जाएगा। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो
हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा 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 छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कापे है तन मन, मेरी बैया धर लो सजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा। हा हा छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जमाना क्या कहेगा, दीवाना क्या कहेगा। नहीं आया अभी तक रमेश का बच्चा। उनका बच्चा बाबूजी उनकी अब तक तो शादी भी नहीं हुई। हाँ हाँ मेरा मतलब है रमेश, अच्छी कचहरी है, मेरे जागने से पहले भाग जाता है और मेरे सोने के बाद लौटता है। मैं तो चला बेटी सोने, यह है उसके कमरे की चाबी, किराया ला के दे तो चाबी उसे दे देना, ये तो बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेना, क्या समझी। समझ गई बाबूजी, उनको आने तो दीजिए। भगवान के लिए बत्ती बुझा दो वरना बाबूजी के हाथों मेरी शामत आ जाएगी।
किराए के पैसे लाए। कैसी गैर शराना बातें करती हो? ये घर के खर्च के रुपए हैं, इसे किराया अदा कर देना। और घर का खर्च? ये पैसा तो बाबूजी के पास से मेरे ही पास आ जाएगा और घर का खर्च चलता रहेगा। अरे जवाब नहीं तुम्हारा शानो, ये तरकीब तो हर महीने हो सकती है। गुड मॉर्निंग। ओह शानो गुड मॉर्निंग, कम ऑन सीटा, कम ऑन। क्या लिख रहे हो? जाने मान तुम्हारे हुस्न की तारीफ में वो जोरदार गीत लिखा है कि सुनोगी तो तबीयत भड़क उठेगी। सुनोगी? सुना। तो सुनो, अर्ज किया है तेरी जुल्फे। मुझे नहीं सुनना ये बकवास, मैं पूछती हूँ किराया कहाँ है? हाँ किराया। ए मिस्टर, अंदर कैसे आए? मैं पूछता हूँ कैसे आए अंदर? जी वो किराया। अच्छा किया तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं तो परेशान था, तुम कहाँ हो? क्यों बेटी? जी हाँ बाबूजी, आप बहुत परेशान थे। अच्छा बेटी, तुम्हें इसको कुछ खाने के लिए भी ला दे और मैं ये रुपए तेरी दीदी के नाम मनी ऑर्डर करा के आता हूँ। बाबूजी, दीदी को मनी ऑर्डर भेज रहे हैं? हाँ, तेरे जीजा जी का तार आया है कि अगर रुपए ना पहुँचे तो उसे लेकर यहाँ आ जाएगा। और तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे शराबी जीजा जी की सूरत से नफरत है। बाबूजी लाइए, मैं ही कर देती हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। ले तू ही कर देना, मगर आज हो जाना चाहिए। जी अच्छा। शानू, अगर रुपया मनी ऑर्डर हो गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं मनी ऑर्डर दो तीन रोज के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन इन दिनों में कुछ भी करके पैसे कमाने ही चाहिए। अरे ये देखा तुमने? क्या? बैरिस्टर दयाल और तुम्हारी सहेली चंचल की शादी हो गई। शादी? नामुमकिन। ये देखो, ये कैसे हुआ, कब हुआ? मुझे विश्वास नहीं होता, ये खबर झूठी है। झूठी है? जरा सामने तो देखो। तुम जानते नहीं डार्लिंग, आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश। मेरी सहेलियां हमारी तस्वीरें देखकर जलकर खाक हो जाएंगी। सबकी जबान पर एक ही जुमला होगा, दयाल साहब और चंचल, दयाल साहब और चंचल। ओ डार्लिंग, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। मुझे खुशी है चंचल कि तुम मुझसे शादी करके इतनी खुश हो। सच पूछो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगी। डार्लिंग, मैं तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल दूंगी, मैं साबित कर दूंगी। तुम ये कैसे साबित कर सकते? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मिसेस लाल ने खून किया है, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा मिलॉर्ड, वो औरत बिल्कुल निर्दोष। बैरिस्टर साहब, ये आपका घर है, कोर्ट नहीं, और मैं आपकी बीवी हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं। I'm sorry. बात ये चंचल, आजकल कोर्ट में बड़ा टेढ़ा केस चल रहा है और मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है। हाँ, तुम कुछ शॉपिंग के बारे में कह रही थी ना? अच्छा, तो ऐसा करो, मैंने तुम्हारे नाम से 50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए हैं। मैं तो तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, लेकिन तुम ऑफिस से मैनेजर को साथ लेकर के जो जी चाहे खरीद लेना। अच्छा, तो कोर्ट का वक्त हो गया है, मैं अच्छा तो बाय। 50,000 रुपए, अब तो मैं सारी दुनिया खरीद लूंगी। इतने बढ़िया कपड़े और गहने पहनकर आप कहाँ जा रही हैं? शांति को जलाने। आज मैं उसे बताना चाहती हूँ मेरे पास क्या नहीं, दौलत है, इज्जत है, दुनिया की हर खुशी। कितनी हसीन है रात। थी तो नहीं, बन गई। कैसे? तुम मुस्कुराई, मुंह पर दुपट्टा लिया और रात हसीन हो गई। रमेश,
तुम्हें इतनी मीठी बातें किसने सिखाई? मेरी शानो। शांति आओ चंचल, माफ करना बिना खबर के ऊपर चली आई, मगर मेरा ख्याल था तुम अकेले होगी। कोई बात नहीं रमेश, ये है। ये कौन है मैं जान चुकी हूँ। सूरत बुरी नहीं? सीरत भी बुरी नहीं। वो तो देखना है। देखने वाले देख चुके हैं। अच्छा तो फिर देर किस बात की? शहनाई बजाने वाले छुट्टी पे गए। बड़ी खुश नजर आ रही हो, मुझे भी तो बताओ कौन सी दौलत मिल गई। देखी नहीं आपने? नहीं तो कसूर आपका नहीं, ये दौलत ही ऐसी है जो नजर नहीं आती। फिर वो दौलत नहीं वहम होगा। ठीक कहा आपने, सोना और चांदी ढूंढने वाली निगाहें हर खुशी को वहम, हर मुस्कुराते चेहरे को नजर कर धोखा और हर कहके को फरेब समझ। और देखने वालों ने यह भी देखा है, जब सोना चांदी नहीं होता तो हर खुशी गम बन जाती है, मुस्कुराते चेहरे आंसुओं में डूब जाते हैं और हर कहका फरियाद बन जाता है। देखने वालों ने गलत घर में जाके देखा होगा, उन्हें इस घर के पता दे दीजिएगा, यहाँ फाका करके भी लोग मुस्कुराते हैं। क्यों शानो? देखना है कब तक? आखिरी सांस तक। बड़ा गहरा प्यार मालूम होता है, क्यों शांति? न जाने तुम लोग क्या जिक्र ले बैठे, छोड़ो इन बातों को। ये बता शादी के बाद कैसे गुजर रही है? देखने से पता नहीं चलता? देखने से तो आपकी दौलत का पता चलता है। रमेश चंचल, दयाल साहब को साथ क्यों नहीं लाए? अच्छा याद दिला दिया, दयाल साहब मेरा इंतजार करते होंगे। बाय बाय। बाय बाय। बड़े शरीफ हो, उसने जाने क्या क्या सुना दिया, वो क्या सोचती होगी? बहुत बुरी तरह जलती होगी। आज दयाल साहब की खैर नहीं। केस तैयार कर रहा हूँ, एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल। सारे जमाने की जिंदगियों की फिक्र है आपको, लेकिन मैं मरती हूँ या जीती इसकी फिक्र नहीं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हुआ क्या? आज शादी हुए महीना भर हो चुका, लेकिन आपका हर दिन अदालत में, हर शाम जज साहब किया और हर रात फाइलों में। अगर जिंदगी के इसी धरे पर चलना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए? तुम्हें इस घर में क्यों लाए? इसका जवाब किताब में नहीं, मुझसे पूछिए। घर की सजावट के लिए जिस तरह ये कालीन या पर्दे या फर्नीचर लाए, उसी तरह मुझे भी ले आए। आपको औरत की नहीं, घर सजाने के लिए एक गुड़िया की जरूरत थी। डोंट बी सिली चंचल, मैं जानता हूँ मुझे अपने कामों से फुर्सत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं। मेरा ख्याल शायद आप सपनों में करते होंगे। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा तो अब से तुम्हारे लिए वक्त निकालने की जरूर कोशिश करूँगा। कितनी हसीन चांदनी बिखरी पड़ी है। अगर दुनिया में मोहब्बत करने वाले नहीं होते तो भगवान चांदनी रातें ही न बनाते। चलिए छत पे चले। चलो चल, तुम चलो, मैं सिगरेट लेके आता हूं।
लगा है मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना। बाद में जी। जीजा जी हमारे लिए क्या लाया? अबे हाथ कहाँ डालता है, बोतल तो रास्ते में खाली होगी, जब आग खेल। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें देखने की हसरत तो ना रहेगी। ऐसा नहीं कहिए बाबू जी। नमस्ते बाबू जी। क्या बात है, दुश्मनों की तबीयत कुछ ना साथ?
मैंने कहा कैसी तबीयत है आपकी? वही पुरानी शिकायत। फिर तो कोई खतरे की बात नहीं, पुरानी शिकायत तो जिंदगी के साथ लगी रहती है। शांति, डॉक्टर को बुलाया? जी हाँ। वेरी गुड, दवा दी थी? जी हाँ। वेरी गुड। अच्छा तुम ऐसा करो, बाहर टांगा खड़ा हुआ उसे जाके किराया दिया। वेरी गुड। अच्छा बेटी जाओ कपड़े उपड़े बदल के कुछ खा लो, भूख लगी होगी। भूख से ज्यादा प्यास लगी है बाबूजी। हाय गजब, सारा बदन टूटा जा रहा है। चलो माँ, अब बाबूजी को आराम करने दो। जाओ बेटी जाओ। बाबूजी जरा सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दुनिया में आपके सिवा हमें कोई नहीं है पूछने वाला। यही फिक्र लगी रहती। लो जरा जूते के बंद तो खोलो भाई, तुम्हारे घर का माहौल बहुत ही मनहूस नजर आ रहा है। इधर तुम बीमार, उधर पिताजी बीमार, घर का घर अस्पताल बना हुआ। एक चार पेज विस्की का इंतजाम हो जाए, दिलो दिमाग सही हो जाएगा। बाबूजी की तबीयत खराब है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाय हाय, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है। अरे मेरी जान, मैं तो उनकी सेहत के लिए पीना चाहता हूँ, और पीने का असली मकसद यही है कि जहाँ पांच छह पेग गले के नीचे उतरे, वहाँ बाबूजी उठकर कसरती पहलवान की तरह डन पेलना शुरू कर देंगे। मुझसे ऐसी बेहुदा बातें मत किया करो। हाय गजब, देखो मां, तुम्हारे बाबूजी तो शौक फरमाते नहीं, तुम ऐसा करो अपनी बहन से रुपए मांग लाओ, मैं एक बोतल ले आऊं। सुना नहीं दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं तुम्हारी शराब के लिए अपनी गरीब बहन से हरगिज रुपए नहीं मांग सकती। अच्छा जी, बाप के घर पहुंचते ही जबान खुल गई। भूला मत, ऐसा झापा दूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम मुझे जान से मार डालो, मगर मैं रुपए नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। ये क्या कर रहे हो? भाई हम लोग पुराने ढर्रे के आदमी हैं, इसी तरह मोहब्बत करते हैं। भगवान के लिए झगड़ा बंद कर दीजिए, बाबूजी आ जाएंगे तो गजब हो जाएगा। ये बात है तो कुछ पैसे इनायत कीजिए ताकि मैं बोतल ले आऊं। शांति ने हरगिज पैसे न देना, मेरे पास यही कहा जो दूं। नहीं चल प्रकाश, बाबूजी आ गए। छोड़ हाथों मगा। बाबूजी क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि ये बाप के घर आकर मेरी बीवी नहीं रही, या मैं ससुराल आकर बुजदिल हो गया? मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक नीच जलील और वहशी इंसान से की है। अब तो मालूम हो गया, धौंस सब जमाते हैं, पैसा कोई नहीं निकालता। मैं कहता हूँ उमा को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अच्छा जी, एक पैर कब्र में और दिमाग आसमान पर। पैर तो बदमाश। बाबूजी बेहोश हो गए। बाबूजी डॉक्टर साहब, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे ना? जाओ बेटी, अपने बाबूजी के पास जाओ, मुझसे ज्यादा अब उन्हें तुम सबकी जरूरत है। दवा का समय बीत चुका, अब दुआ का वक्त है। बाबूजी, बाबूजी, घबराओ नहीं दीदी, जीजा जी अभी दवा लेकर आते होंगे, जरा पानी पिला दे। दीदी का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा, ना दवा है और ना इलाज के लिए पैसा। पहले फर्नीचर बिका, फिर जेवर, और अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं। शादी के कंगन थे सो वो भी गए,
क्या मतलब? जीजा जी को कंगन लेकर भेजा है दवा लाने के लिए। ये जानते हुए भी कि उन्हें बीवी की जान से ज्यादा शराब प्यारी है? करती क्या, तुमसे नहीं, और दीदी को अकेले छोड़कर कैसे जाती? लेकिन मुझे आशा है वो आज ऐसा नहीं करेंगे, वो जरूर दवा लेकर आएंगे। भाई सच मानो इरादा यही था, बड़ी मुश्किल से कंगन के रुपए बनाए, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के वहां पहुंचा, मगर दवा खाना बंद, दवा बंद, बस यहाँ हो गया भेजा बंद। फिर क्या हुआ, रुपया कहाँ है? हालत नहीं देख रही हो? तुम ठीक कहती हो, वाकई हालत खराब थी। हाय गजा, दिन भर की थकावट, तुम्हारा गम, अपना गम, पैरों में चक्कर, आंखों में दम, बस ये गया हम। मिस्टर प्रकाश, बीवी घर में बीमार पड़ी है, गरीब शांति ने कंगन दिए और आपने शराब में उड़ा दिए, तो शर्म आनी चाहिए आपको। क्या फरमाया आपने, शर्म आनी चाहिए? शर्म औरत को आती है। शांति मेरी साली है, इसके जेवर गहने तो क्या इससे बेचकर पी सकता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस खुशी में एक महीने तक इस घर के टुकड़े तोड़ रहे हैं? रखो ज्यादा गावा की तो यहां से चलता कर दूंगा। शराब इनके मुंह न लगो रमेश, चलो यहां से चले। कमल कमल कमल, ठीक है, आया हो ना? लग गया था। शांति शांति, मेरी शांति तो अंदर है, आप किस शांति को ढूंढ रहे? वही मेरी सहेली है। आपकी तारीफ? मेरा नाम है चंचल। ओ चंचल, वो तो जाहिर होता है। आप किसी जोहरी की बेटी? जोहरी? हाँ, पांव तक सोना, हीरे जवाहरात, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी जोहरी की दुकान लगी हुई। वहां मत जाइए, रमेश और शांति मिल रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। हाँ जरूर मिलिए, मगर आप समझी नहीं, हालत बहुत खराब है, शांति की बहन बीमार है, यानी मेरी बीवी, दवा तक को पैसे नहीं, अगर कहीं आप अंदर गई और आपको देखकर रुपए मांग बैठे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, कितने रुपए इस बटुए में है? थोड़े बहुत है तो दीजिए, दवा ले आऊं बेचारी के लिए। अब आप अंदर जा सकती हैं, मैं अभी दवा पी कर आता हूँ, मेरा मतलब है दवा लेकर आता हूँ। नमस्ते। दो रोज हो गए दीदी को, ना डॉक्टर ने देखा है ना दवा मिली है, आखिर कब तक वो इस बुखार में फूलती रहेगी? घबराऊंगी शांति, मैंने तुम्हारे जीजा जी को पैसे दे के दवा लाने भेजा, अभी आ जाएगी दवा। जीजा जी क्या हुआ? तुमसे क्या छुपाऊं चंचल, ये सारे दुख हमारे जीजा जी के कारण है, शराब ने उन्हें कहीं का न रखा, घर में दवा लाने को पैसा नहीं, कंगन दिया था वो भी बेचकर शराब पी गए। अच्छा, मुझे पता नहीं था वो ऐसे हैं। क्या बताऊं, पिताजी क्या गए, हम पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं, रमेश की वकालत चल जाती तो किसी तरह गुजारा हो जाता। तुम क्यों नहीं कुछ करती? मेरा मतलब है नौकरी करना कोई ऐब की बात नहीं। नौकरी मुझे कहाँ मिलेगी नौकरी? कहीं तो मिलेगी। हाँ, यूं तो एक थिएटर के मालिक ने एक बहुत अच्छी नौकरी देने को कहा था, फिर मेरा स्टेज पर काम करना रमेश को पसंद नहीं। ये पसंद का सवाल नहीं शांति, जिंदा रहने का सवाल है। तुम्हारी बीमार बहन है, दो छोटे भाई बहन है जिनकी तालीम पूरी कराना है, उनकी खुशियां ज्यादा प्यारी है या झूठी इज्जत? सोच लो शांति। मैं जानती हूँ, लेकिन रमेश को भी तो नाराज नहीं कर सकती। नाराज करने की बात नहीं, तुम उन्हें समझा सकती हो कि जिस दिन वो कमाने लगेंगे तुम काम छोड़ दोगे। अच्छा बात करूंगी, लेकिन अभी तो दीदी का गम मुझे खाया जा रहा है, कितनी तकलीफ में है वो, और घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं।
वकील साहब प्लेटें साफ कर रहे हैं। करो करो, जमाना ही उल्टा है। लोग कह गए हैं कि मैंने लाखों के बर्तन धोए सबरिया तेरे लिए। नाराज ना होइए वकील साहब, कहीं एक आध प्लेट टूट गई तो तनख्वाह कट जाएगी। अच्छा भाई, हम तो चल दिए। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा तूने देखा जादू कोई चल ही गया। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा तूने देखा जादू कोई चल ही गया। पास है और आपको पता नहीं? आग बुझ चुकी है। बुझी नहीं, राख के नीचे दबी। चलिए। बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? आपसे मिलने। मुझसे? जी, असल में आपका और मेरा एक ही जैसा हाल है। हर शाम शांति थिएटर में और हमारे दया साहब ऑफिस में। समझ में नहीं आता शाम कैसे काटी जाए। रसोई में क्या कर रहे थे? सच जाना चाहती? खाने के बर्तन धो रहा था। बर्तन? जी बर्तन। लेकिन आप बर्तन क्यों धो रहे थे? वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपके लिए दुनिया में कोई काम नहीं? आपकी कोई कीमत नहीं? आखिर ऐसा क्यों सोच लिया आपने? मैंने नहीं सोचा, दुनिया ने इसी लायक समझा। अगर आप दुनिया के गलत इंसानों से संबंध जोड़े इसमें दुनिया की क्या खता है? मुझे आपको इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोने की मेरी आदत नहीं है चंचल देवी। आप मुझे गैर समझते हैं, लेकिन मैं नहीं। आप मेरे पड़ोसी हैं। आपका दुख मेरा दुख है और आपका सुख मेरा सुख है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए कर भी कर सकती हैं। देखना चाहते हैं? आइए मेरे साथ, आइए ना। हाँ, तो मिस्टर रमेश, अगर तुम मेरे यहाँ काम करो तो मेरा बोझ काफी हल्का हो जाएगा। जी
यू आर ए परफेक्ट वाइफ चंचल, मेरा कितना ख्याल रखती है। देखो ना, मेरा सवाल तुमने यूं चुटकियों में हल कर दिया। और मेरा भी मिस्टर दयाल, मैं जान लड़ा के काम करूंगा। दैट्स द स्पिरिट माय बॉय, इंसान की इज्जत उसके काम से होती है। और तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनाकर क्या फायदा हुआ, इसका फैसला तो चंचल ही करेंगी, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी सिफारिश की है। जी, मुझे यकीन है कि मिसेस दयाल को मुझसे कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। आई होप सो। अगर आप समझदार हैं तो शिकायत होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, तो कल सवेरे से काम पे आ जाना। जी शुक्रिया। गुड नाइट मिस्टर दयाल। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर दयाल। आज हमारा काम भी आपने कर दिया। क्या किया जाए जब नौकर काम चोर हूँ। अच्छा जी, तो कान खोल के सुन लो, तब से तुम्हारा नौकर काम नहीं करेगा, उसे दूसरी नौकरी मिल गई। दूसरी नौकरी? तुम्हारी सहेली चंचल मुझे दयाल साहब का असिस्टेंट करवा रही है, और तनख्वाह होगी 500 रुपए महीना। फिर तो अपने ठाक है, थिएटर का काम बंद। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 3 महीने का है, उसके बाद छुट्टी, और फिर तुम्हारी तनख्वाह का सफाया शुरू। शानो, जानती हो आज तुम्हारी आंखों में क्या है? क्या? वो चमक जिसकी मुझे तलाश थी, वो नशा, वो सरूर, वो अकड़ जो कि आदमी का सर फखर से ऊंचा कर देती है। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कह सकता हूं, क्या बनोगी मेरी? रमेश, देख लिए सारे पॉइंट? जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। अरे फिर दिखा देना, इस वक्त मुझे कलेक्टर के यहाँ कॉन्फ्रेंस पे जाना है। फिर जाना है? I'm sorry, अगर आज नहीं गया तो मेरा जज बनने का चांस मारा जाता है। और मेरी हर शाम मारी जाती है, उसका ख्याल ही नहीं। अब मैं किसके साथ जाऊँ शॉपिंग करने? ऐसा करो, तुम रमेश के साथ चले जाना। रमेश, जरा इन्हें शॉपिंग पे ले जाना। जी, मैं सोच रहा था इन पॉइंट्स को जरा मैं फेयर कर लेता, तो भाई कल कर लेना। जी बात। अच्छा, मैं जाता हूँ। चीयर्स। क्या हुआ? दर्द, क्यों ही कभी कभी दर्द होता है? किसी डॉक्टर को दिखाइए ना। कौन ले जाएगा मुझे डॉक्टर के पास? दयाल साहब का कहते हैं वही अगर मेरा ख्याल करते तो ये दर्द ही क्यों उठता। सारा बदन टूट रहा है, मुझे बुखार भी है, देखिए ना। मेरा ख्याल है मुझे भी बुखार हो रहा है। आपको याद है शॉपिंग करने जाना है आपको, देर हो रही। एक दर्जन सिल्क की कमीजें, 3 सूट, 1 ड्रेस सूट, आपने तो मेरे ऊपर बहुत खर्चा कर डाला है। घबराइए नहीं, जो खर्चा करता है वो खर्चा वसूल करना भी जानता है। कैसे? बड़े भोले हैं आप, समझाना पड़ेगा। समझाइए ना। इट्स टू अर्ली। एक्सक्यूज मी। हाय गजब, कब से इशारे कर रहा हूँ, तुम तो देखती ही नहीं। मैंने देखा नहीं। हाँ, क्यों देखने लगी हो, क्योंकि वो पिंटू साथ में बैठा है ना। फरमाइए क्या हाल है? हाल क्या पूछती हो, दिले बेकरार का अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया, याद रखिए सब अदा कर दूंगा। मैं रुपए लेने नहीं आई। माफ कीजिएगा, मैं खैरात नहीं मांगता। कितने रुपए लिए थे आपसे? 50 ना। तो ऐसा कीजिए के क्या 50 और दे दीजिए, पूरे 100 हो जाएंगे, याददाश्त के लिए आसानी हो जाएगी। हाय गजब, कितनी समझदार हो तुम। देखिए, आपसे एक छोटी सी विनती है। बड़ी से बड़ी कहिए, फर्क क्या पड़ता है?
घर जाके शांति से न कहिए कि तुम और पंतू साथ में बैठे थे। ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू मेंशन नॉट। मैं देखता क्या है डबल बना। मैं कैसे चक्कर में फंस गया शांति के। बस मैंने कहा हुजूर मैरिलिन मॉनरो है ना, फेमस लेडीज। देखे तारी तो बड़े अच्छे, कहाँ से लिए? जाइए, कहा था छुट्टी है, जल्दी आना। अब आए रात के 10 बजे। आई एम सॉरी शांति, मैं कहीं फंस गया था। तुम गई नहीं कहीं? कहाँ जाती अकेली? नाराज हो गई। हाय गजब, कमाल के शायर हो यार तुम भी। वहाँ चंचल से झटपट और यहाँ शांति से लटपट। शर्म नहीं आती किसी को बिना वजह बदनाम करते हुए? चलो मैं ही झूठा सही, लेकिन तुम अपने वकील साहब से तो पूछो कि इतनी रात गए हुए कौन सी कचहरी में मुकदमाबाजी कर रहे थे। पूछने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अरे भाई भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन इतनी रात गए हुए बूढ़े दयाल साहब की जवान पत्नी के साथ घूमना भी तो ठीक नहीं। और वो भी कहाँ? प्राइड ऑफ एशिया बार में, जहाँ चाय के साथ शराब मिलती है। आज चाय पी ली है तो कल। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? शांति मैं चंचल को शॉपिंग करवाने लगा था, वहां से हम चाय पीने चले गए, वहीं देर हो गई। सुन लिया, मामूली सी बात थी। ए भैया रमेश, ये लड़कियां बड़ी जल्दबाजी होती हैं। शट अप शट अप। कम ऑन। हाय गजल, छोटी मोटी सुइया रे, जाली का मेरा काल ना, जाली का मेरा काल ना। बात क्या है? बात अजी, मैं बधाई देने आया हूँ। मुबारक हो, तुम्हारी मोहब्बत मेरी कोशिशें रंग ला रही। सुना, कल की बात मैंने शांति से कह दी, चुनाचे मिस्टर रमेश और शांति में बोल चाल बंद। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था। अच्छा जी, जाने तमन्ना किससे आंख में चोली खेल रही है। अमा सीधी सी तो बात है, तुम्हें जरूरत है रमेश की, उसके प्यार की। ये गलत है। गलत? जरा सुनो, दिल तो कुछ और कह रहा है। देखो मेरी जान, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं, सच पूछो तो नफरत है। नफरत? हाँ, इसलिए कि तुम मेरी नन्ही मुन्नी शांति का दिल तोड़ना चाहती हो। तुम्हारे पास हीरे हैं, जवाहरात है, दौलत है, शांति की दौलत रमेश। तुम्हें शांति की दौलत की कीमत चुकानी पड़ेगी। किसको? गहरा मुझको। आपको? जी, रमेश को शांति से जुदा करके तुम्हारी बाहों में लाना मेरा काम। कीमत सिर्फ 5,000। 5,000? हाँ, तुम्हारे जिंदगी भर ऐश की कीमत। लेकिन शांति और रमेश, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं उसे मुमकिन बना दूंगा। शराब के खातिर प्रकाश क्या नहीं कर सकता, अपनी जान दे सकता है, दूसरे की जान ले सकता है। अगर तुम कहो तो दयाल साहब की गर्दन मरोड़ दो। डर गई? अरे भाई ये चोरी का प्यार कब तक? देखो आज नए साल की खुशी में प्राइड ऑफ एशिया बार में एक जबरदस्त प्रोग्राम है। थिएटर कंपनी की तरफ से वहां शांति भी आ रही है। रमेश को लेकर वहां पहुंचना तुम्हारा काम है, बाकी जुम्मा मेरा। लेकिन वहां होगा क्या? होगा क्या, पुराने साल के बंधन टूटेंगे और नए साल के गठबंधन शुरू होंगे। समझे? नहीं समझे? हाय गजब। आपने मुझे बुलाया? हाँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो डार्लिंग? कमिश्नर साहब ने नए साल की खुशी में डिनर पे हम दोनों को बुलाया है। मैं इन बुड्ढों से तंग आ गई। तुम नहीं जानती कि तुम्हें साथ ले चलने में आज मुझे कितनी खुशी हो रही थी। तुम्हें देखकर सब लोग मेरी किस्मत पर रश करते। मेरे सर में बहुत दर्द है डाली, लगता है मुझे बुखार भी चढ़ रहा है। मुझे घर ही में रहने दो प्लीज।
अच्छा तो मैं अकेले ही जाता हूँ और डॉक्टर को जरूर बुला लेंगे। आज के डिनर और डांस के लिए मेरे नाम पर दो सीटें रिजर्व कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल कोने। थैंक यू। देखो रमेश यहाँ आए तो उसे ये चॉकलेट खिला देना, नहीं तो वो शांति को लेकर कहीं और चला जाएगा। बस समझ लो एक चॉकलेट खा लिया तो उसे आधी बोतल का नशा हो जाएगा। लो और डालो विस्की। ओके बॉस। क्या करें प्रकाश बाबू शराब बहुत तेज है। मैं जानता हूँ। ये लो ये गिलास मैम साहब को देना और ये गिलास मैम साहब के सामने जो फंतूर साहब बैठा है ना उसको देना। भड़कने लगा और चाहे मैं तो भूल गया रहे रात हसी है जवां है नजारे झूम चले हम दिल के सहारे रात हसी है जवां है नजारे झूम चले हम दिल के सहारे आज कोई हमको न पुकारे रोकती है मेरी राहें मैं की बोतल जैसी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय 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 ये निगाहें
दर्द शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राही। बहका बहका हो हम भी जरा बहके तो मजा हो। हे 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 ओ हो यूं जो समा बहका बहका हो हम भी जरा बहके तो मजा हो। आंख पिए और दिल को नशा हो। ये इशारे ये अदाएं मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें। हाय 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 ये निगाहें। कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। याद नहीं मेरा प्यार यहीं है या मेरी मंजिल और कहीं है। याद नहीं मेरा प्यार यहीं है या मेरी मंजिल और कहीं है। देखो मुझे कुछ होश नहीं है। ए हे ओ हो तोबा तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें। हाय 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 ये निगाहें। अरे कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। गुड नाइट। अरे कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। हाय 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 ये निगाहें। हाय 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 ये निगाहें। अरे कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। हेलो माय डियर। Hello, my dear. शानू भाई माफ करना, वो तुम्हें लेने नहीं आ सका। चंचल है ना चंचल, उसने आने ही नहीं दिया। मैंने उठना चाहा पर बैठ ही गया। और सच पूछो तो मजा आ गया शानू, मजा आ गया। तू घूटती क्यों है? तू समझती है मैंने शराब पी है? शराब नहीं 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 शाने, मैंने शराब नहीं पी, मैंने तो लेमन पिया है। लेमनेड। मैंने लेमन पिया है। अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती तो यहां नहीं आते। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जा रहे हो रमेश? चलो वापस। छोड़ दो मुझे, मैंने कभी बेइज्जती नहीं सही और तुम भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती।
थिएटर में नौकरी क्या मिली है, दिमाग ही नहीं मिलता। रमेश, तुम समझती हो मैं तुम्हारी धमकियां सुनूंगा और यहीं पड़ा रहूंगा? तुम समझती क्या हो, मुझे खरीद लिया है क्या? रमेश, रमेश देखो वापस चलो, तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूँ। तुम्हारी बदलती हुई निगाह खूब पहचानता हूँ रमेश, मगर मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना तुम्हारे पैसे की। अगर जीना है तो अपने बलबूते जीऊंगा, तुम्हारे सहारे नहीं। रमेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो मुझे। गुड नाइट रमेश। गुड बाय रमेश। नौकर नहीं है तो चाहे चलाओ। नहीं रमेश, हम जाग जाएंगे। मैं तुम्हें सलाम। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चलिए तुम्हें वसीयत नामा बंद करते समय मैं पूरे होश में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत से कमाई जी आवारा और बदतमीज की हम इसका शिकार बने। इसलिए मैं अदालत को करता हूँ, मेरे बाद मेरी सारी से भाई भी मेरी पत्नी चक को न पहुंचे। खबर क्यों नहीं की? खराब थी, मैंने सोचा जगाने से कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान करते हैं? चलो सो जाने से तुम्हें कोई खास फायदा नहीं क्या? या सर, अगर तबीयत खराब तो मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा। चंचल, कल सवेरे तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? नदी किनारे, जहाँ तो मेरे सिवा और कोई नहीं, वहाँ हम लोग इत्मीनान के साथ रह सकेंगे। कैसी बात है? तुम्हें कल मालूम, इस वक्त तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम करना है। मुझसे नहीं दौलत से शादी की थी, दौलत में से तुम्हें पाई भी नहीं की। यह है वो वसीयत नामा जिसमें मैं तुम्हारी जायदाद से महरूम कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा कभी नहीं होगा। हम रमेश को नौकरी से निकाल देंगे। रमेश को नौकरी से निकाल देंगे क्या होगा? जब दिन में बात हवस हो तो हजारों रमेश खड़ा हो जाते हैं। मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी, आप आजमा के तो देखिए, बस एक मौका और दीजिए। मुझे इस वक्त लाने की फुर्सत नहीं। क्या होता है तो मैं शहर तक पहुंचा सकता हूं, फिर चाहे तुम रमेश के पास जाओ या कहीं और। क्या टायर? दोनों टायर पहुंचे, यहां तो कोई सवारी भी नहीं मिल सकती। उधर दरियापाल मिल सकती। चलो
हम दोनों पिकनिक के लिए दरिया किनारे गए थे। वहां हमारे साथ और कोई नहीं था। वापसी पर क्योंकि हमारी मोटर पंक्चर थी और सवारी दरिया पार ही मिल सकती थी, इसलिए हमने दरिया पार चलने का फैसला किया। कश्ती में चप्पू के दरिया किनारे खड़ी थी, लेकिन मलाह कोई न था। मैंने कहा चलिए कश्ती से ही चलते हैं। वो मान गए। काश कि मैं ये राय न देती, काश कि वो मेरी बात न मानते। किस्मत की बात है मिसेस दयाल, आपको क्या पता था कि कश्ती लहरों में जखोले खा के उलट जाएगी। कसम भगवान की, क्या खिल रहा है तुम पर ये काला लिबास। भगवान करे तुम सदा ही बेवा रहो। तुम यहाँ कैसे आए? ये भी कोई पूछने की बात है? क्या दौलत छोड़ गया है मरने वाला? अगर इस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो बड़ा दुख होगा उसकी आत्मा को। प्रकाश, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी कि दयाल साहब का खून तुमने किया है। तुम इतने बेवकूफ नहीं, जब तक दयाल साहब का वसीयतनामा मेरे पास है तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जल्दी से पैसे इनायत करो, प्यास लग रही है। बड़ी समझदार, और पैसे की जरूरत हो तो खबर कर देना। शुक्रिया। तो कितने दिन हुए उस बात को? यही के 15-20 रोज। और तब से तुम शांति से नहीं मिले? मिलके क्या करता, अगर उसे मेरी परवाह होती तो जरूर मेरे पास आती और मुझे मना के ले जाती। तुम्हें मना कर ले जाती, गलती भी तुम्हारी और मनाने के लिए भी वो आए तुम्हारे पास। मेरी गलती? और नहीं तो क्या, मैंने कोई जानबूझ के तो पी नहीं थी। और उसने ये तक नहीं सोचा कि उस रात शराब के नशे में मुझ पर क्या गुजरी। वो तो खैरियत हुई कि चंचल ने मुझे देख लिया और अपने घर ले गई, वरना सारी रात सड़क पर गुजरती। अब तो तुम्हारी हर रात बड़े आराम से गुजरती है न? चंचल के साथ उसके महल में। जगत, हम तो उड़ती हुई चिड़िया पहचान लेते। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूँ, फरमा रहा हूँ। तुम चंचल के चक्कर में शांति को भूल बैठे, लेकिन शांति अभी तक तुम्हें नहीं भूली और वो कभी तुम्हें नहीं भूलेगी। जानते हो, उसने थिएटर जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैंने कई बार देखा है, रात को तुम्हारे कमरे की तरफ आती, तुम्हारे इंतजार में छत पर पागलों की तरह घूमती रहती। मेरा दिल भरूं क्या मैं आए।
उठता है लोग चले आओ कदम घुटता है सुलगते सीने से धुआं सा उठता है लोग चले आओ कदम घुटता है मैं जानती थी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तुम जरूर लौट आओगे क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। हाय गजब। अरे ये तो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ। निकल जाओ मेरे मकान से अभी इसी वक्त। बहुत अच्छे। गुस्सा किसी का और उतर रहा है किसी पर। जाने दो सुसरे को। मुझे तो पहले रोज से मालूम था ये पंछी फंसने वाला नहीं। लेकिन तुम थी उसके इश्क में पागल। मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से। आए रजा इतना गुस्सा करोगी मेरी जान तो तुम्हारी जवानी फुलझड़ी की तरह भड़क कर कोला बन जाएगी। मारो गोली। इसमें गम करने की क्या बात है? क्या हम मर गए हैं? तुम नहीं जाओगे? अच्छा अच्छा चले जाते हैं। मगर हाँ बात यह है कि कल से आपके गुलाम की हालत बहुत खराब। जेब खाली बॉटल खाली। अगर थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए तो। अच्छी बात। नामा मेरे हवाले कर दो। निकालो। ये लो। छोड़ दे इस खिलाने को वरना गोली मार दूंगा। प्रकाश रास्ते का निकम्मा शराबी नहीं। जिन हाथों ने दयाल की जान ली वो तेरा गला भी घूट सकते। चीजा जी आप अब बनाओ अपने खैर। थोड़ी देर में सारी दुनिया को पता चल जाएगा दयाल साहब का खून किसने किया है। लेकिन लेकिन दरवाजा तो बंद था उसने सुना कैसे होगा? अगर सुन लिया हो तो
शांति, अब छुपना बेकार है। तुम्हें सब मेरा राज मालूम हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। सामने आओ शांति, शांति सामने आओ। तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बहन का पति, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। रुक जा। गोली तुमने चलाई? आओ मेरे साथ चलो। अरे सुनिए, माफ कीजिएगा मिसेस दयाल, आपके कंपाउंड वाले कमरे में खून हो गया है। खून? हाँ, मुजरिमा को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। मुजरिमा? ये गलत है, शांति कभी खून नहीं कर सकती। इन्होंने खुद इकबाले जुर्म किया है, मुझे पुलिस चौकी टेलीफोन करना है। सुना आपने? हाँ, जी चलिए आइए। हेलो हेडक्वार्टर, मैं इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूँ, 20 हजरतगंज। मिस्टर दयाल के बंगले पर खून हो गया है। हाँ हाँ, मैंने मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है, तुम फौरन पहुँचो। हाँ हाँ, जल्दी करो। लाश कहाँ गई? आपने अपने बयान में कहा है कि रात के 12 बजे जबकि आप अपने मकान की छत पर टहल रही थी, आपने मिसेस दयाल के बेडरूम के शीशे पर दो परछाइयां देखी। परछाइयों से ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द किसी औरत का गला घोट रहा हो। यह देखकर आप मिसेस दयाल के यहां गई। क्या आप बता सकती हैं किस लिए? किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना इंसानी फर्ज है। ठीक कहा आपने। आपने वहां पहुंचकर देखा कि मिस्टर प्रकाश मिसेस दयाल का गला घोंट रहे हैं जी, और ये देखकर वापस चल दी जी। अदालत नोट करे, मुल्जिमा इंसानी फर्ज अदा करने गई थी और जब उसने देखा कि मिसेस दयाल का गला घोटा जा रहा है तो इंसानी फर्ज भूलकर इत्मीनान से वापस चल दी। मिस शांति, इसके बाद मिस्टर प्रकाश ने मिसेस दयाल को छोड़कर आपका पीछा शुरू कर दिया। क्यों? उनका ख्याल था मुझे उनका कोई राज मालूम हो गया है। लेकिन आपको कोई राज नहीं मालूम था? जी नहीं। ये आपने उन्हें बताया? जी, इसकी नौबत ही नहीं आई। क्या आपने बताने की जरूरत नहीं समझी जी? इसलिए कि शिकार सामने था, रिवॉल्वर हाथ में, इसलिए कि जीवन भर की मुश्किलों का हल एक लम्हे, एक सेकंड, एक पल में हो सकता था। ये गलत है, मैंने जानबूझ के खून नहीं किया। हर मुजरिम और हर खूनी ने इस कटारे से यही अल्फाज दोहराए हैं, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन इंसाफ की पुकार बहुत ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाफाश किया है। जवाब दीजिएगा, ये सत्य नहीं कि प्रकाश बाबू की मौत आप ही घात हुई? हाँ, शायद मेरी ही घात हो। ये शायद किस लिए? इसलिए कि मुझे याद नहीं मैंने कब गोली चलाई।
जब खून सर चढ़ जाता है तो इंसान को अपने करतूत भी भूल जाते हैं। मिलॉर्ड और मेम्बरान ज्यूरी, मुलजिमा का पुलिस को दिया हुआ बयान सरासर झूठ है। मुलजिमा दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहती है कि उसने अपने बचाव में गोली चलाई। अगर ये सच होता तो प्रकाश बाबू की लाश कमरे से गायब ना होती। लाश का गायब होना यह साबित करता है कि मुलजिमा का कोई मददगार भी था। अगर कोई मददगार था तो इस खून की पहले से तैयारी की गई, और अगर पहले से तैयारी की गई तो बचाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सच तो यह है, मुलजिमा ने प्रकाश बाबू का खून अपने बाप की मौत के बदले में किया। मरने के पहले बाबू दिगंबरनाथ का प्रकाश बाबू से झगड़ा हुआ और वो उसी रात चल बसे। मुलजिमा के दिल में प्रकाश बाबू को मार डालने का ख्याल उसी वक्त पैदा हुआ। हजरात, ये जुर्म कोई फौरी गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया है। देखिए मुलजिमा के शान चेहरे को, उसने अपने जुर्म का इकबाल किया है लेकिन उसने पाप का कोई पछतावा नहीं। उसने अपनी बहन की मां से संदूर मिटा दिया लेकिन शर्म से उसकी नजर नहीं झुकी। ऐसी खूनी, ऐसी घोर पापन, ऐसी मुजरिमा की कानून दफा में एक ही सजा है मिलॉर्ड, और वो है मौत। ऑर्डर ऑर्डर। वकील सफाई मुजरिमा से कोई सवालात करना चाहते हैं? जी नहीं मिलॉर्ड। आज की कार्रवाई खत्म हुई। आपने सवालात क्यों नहीं किए? कोई फायदा नहीं मिस्टर रमेश, मिस शांति के इकरार जुर्म के बाद इस केस में कोई दम नहीं रहा। आपका मतलब है आप कुछ ना करेंगे? सिर्फ रहम की दरख्वास्त की जा सकती। फैसले से पहले ही रहम की दरख्वास्त? मिस्टर रमेश, आप वकील, दुनिया फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन आप और मैं जानते हैं फैसला क्या हो। क्या? मौत। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा वकील साहब, शांति को बचा लीजिए। लेकिन शांति को बचाना मेरे बस में नहीं जनाब, केस हाथ से निकल चुका है, वो अपने जुर्म का इकरार कर चुकी है। मिस्टर खन्ना, मुझे अफसोस है मिस्टर रमेश, कानून को कोई धोखा दे भी तो कहां तक, कोई बड़े से बड़ा वकील भी आपकी शांति को नहीं मिटा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। आप शहर के सबसे बड़े वकील हैं, आप चाहें तो पुलिस के सारे इल्जाम बेकार साबित कर सकते हैं। दुनिया का कोई वकील शांति को मौत से नहीं बचा सकता है। इस केस को लेना बदनामी मोल लेना है। नहीं शानू, नहीं, तुम बेगुनाह हो और भगवान बेगुनाहों को सूली पर नहीं चढ़ाया करता। शानू, मेरी जिंदगी का इतना विश्वास न करो रमेश, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम गम से पागल हो जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो शानू? मैं समझती थी मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, तुम मेरे नहीं हो। काश कि ऐसा होता। क्या कह रही हो? तुम्हें खोकर मरना आसान था लेकिन अब नहीं। रो नहीं शानू, रो नहीं रमेश, रो नहीं शानू। मैं अपने लिए नहीं रो रही, मुझे दुख है तो तुम्हारा। कल किस दिन से तुम मेरी मौत का ऐलान सुनोगे, किन आंखों से मुझे बिछड़ते देखोगे? ऐसा ना करो शानू, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा। आखिरी समय तक अदालत के सामने तुम्हारे लिए लड़ूंगा शानू, आखिरी सांस तक तुम्हें भगवान से मांगूंगा, और अगर फिर भी तुम्हें पा सका शानू तो तुम अकेली इस दुनिया से नहीं जाओगी, तुम्हारा हाथ थामे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। Thank you.
मौलवी रामू, तुमने अपने बयान में कहा है कि कत्ल की रात को तुमने एक औरत को एक मर्द के पीछे बागीचे में भागते हुए देखा था, क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? सरकार, मर्द कौन था ये तो हम नहीं देख पाए, परंतु हाँ माफ करना बिटिया, गीता की सौगंध खा के हम अपनी बेटी के लिए भी झूठ ना बोला। उस रात हाथ में तमंचा लिए तुम ही उस मर्द के पीछे भाग रही थी। आपका गवाह। मुसम्मी रामू, मिसिस दयाल के यहाँ नौकर होने से पहले तुम कहाँ थे? बनारस में सरकार। और बनारस में कत्ल के सिलसिले में तुम पकड़े गए थे और तुम्हें 5 बरस की सजा हुई थी, क्या ये सही है? जी हाँ माय बाप। That's all, my lord. मिस्टर खन्ना, आपको कैसे यकीन हुआ कि प्रकाश बाबू मर चुके थे? जी न तो उनकी सांस चल रही थी और न उनकी नब्ज। मिस्टर खन्ना, ना तो आप डॉक्टर हैं और ना हकीम, सांस और नब्ज की आपको पहचान है, इसकी क्या सनद है? सनद तो कोई नहीं। और अगर नहीं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सांस और नब्ज पहचानने में आप कोई धोखा खा सकते हैं? हो सकता है। और अगर आप धोखा खा सकते हैं तो फिर यह भी मुमकिन है कि प्रकाश बाबू वाकई मरे नहीं, और इस वक्त जबकि हम और आप उन्हें मुर्दा समझ रहे हैं वो जिंदा है मेरी और आपकी तरह, क्या ये मुमकिन नहीं? जी बहुत मुमकिन है। That's all, my lord. मिसेस दयाल, कत्ल के बारे में आपको किस वक्त खबर हुई? रात के कोई 12 बजे होंगे, जबकि मुझे प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं नीचे उतर रही कि अचानक दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना मेरी सहेली शांति का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुए। मैंने देखा। एक सेकंड चंचल देवी, क्या रात के 12 बजे आपके मकान का दरवाजा खुला था? हाँ, शायद मेरा नौकर रामू से बंद करना भूल गया। रामू ही बंद करना भूल गया या कोई और? क्या मतलब? हो सकता है आप बाहर गई हो और दरवाजा बंद करना भूल गई हो। अपने पति के गुजर जाने के बाद मैंने बाहर कदम भी नहीं रखा, खास तौर से रात में। खैर, इसके बाद? इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना ने मुझे सारा वाकया बताया। हमारी बातें सुनकर मेरा नौकर रामू भी आ गया। मिस्टर खन्ना ने मुझे कहा वो पुलिस में फोन करना चाहते हैं, इसलिए हम सब ऊपर गए। एक सेकंड चंचल देवी, ऊपर जाने वाले हम सब कौन थे? मैं, मिस्टर खन्ना, शांति और रामू। रामू भी? जी हाँ। लेकिन मिस्टर खन्ना की रिपोर्ट कहती है कि ऊपर सिर्फ वो, शांति देवी और आप गई थी, चौथा कोई नहीं था। उसके बाद आप सब जब नीचे आए तो रामू हॉल में भी नहीं था, और ना ही वो आपके साथ उस उजाड़ कमरे तक ही गया जहाँ से मिस्टर प्रकाश गायब हो चुके थे। हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मैं घबराई हुई थी, इसलिए ये सारी तफसील के रामू मेरे साथ था या नहीं मैं याद रखना भूल गई। लेकिन मिस्टर खन्ना नहीं भूले, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और उनकी रिपोर्ट कहती है कि रामू आपके साथ नहीं था, और वो आपके साथ इसलिए नहीं था कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसे वो पूरा कर रहा था, इसलिए कि प्रकाश बाबू का खून आपने किया है, आप ही ने उन पर गोली चलाई, खूनी आप हैं, शांति देवी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, वकील सफाई गवाह को कातला ठहरा रहे हैं। मुझे यकीन है उन्हें पूरा एहसास है किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना एक संगीन जुर्म है। मुझे पूरा एहसास है माय लॉर्ड। अगर आपके इल्जाम गलत साबित हुए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। यकीनन माय लॉर्ड। सबूत पेश कीजिए। बेहतर है। चंचल देवी, मिस्टर खन्ना ने जिस हालत में लाश और शांति देवी को देखा उससे ऐसा ख्याल होता है कि गोली मिस्टर प्रकाश के सीने में लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ फसली के नीचे लगी। क्या बता सकती है ऐसा क्या हुआ? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। गवाह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कत्ल के वक्त कमरे के दरवाजे बंद थे और अंदर प्रकाश बाबू और मुलजिमा शांति देवी के सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि कमरे में तीसरा कोई नहीं था, मगर कमरे के बाहर जरूर, कमरे के दरवाजे बंद थे, मगर गोली चलाने के लिए दरवाजे का खुला होना जरूरी नहीं। नोट किया जाए कि उस कमरे के दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी। अगर गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी तो गोली में शांति नहीं बल्कि उस शख्स ने चलाई जो दाहिनी तरफ खिड़की के पास खड़ा था, और खिड़की के पास वो इंसान था जो भागकर वापस मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करना भूल गया, और जब पुलिस इंस्पेक्टर टेलीफोन कर रहा था तो इस कातिला का नौकर रामू लाश को कंधे पर उठाए कानून की पहुंच से दूर भागकर अपनी मालकिन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, क्या आप बता सकते हैं कि चंचल देवी ने इस जुर्म का इर्तकाब किया तो किस लिए? उनका क्या फायदा था मिस्टर प्रकाश को मार डालने से? इसके लिए मैं चंचल देवी से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा माय लॉर्ड। इजाजत। मिसेस दयाल,
क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकीले सफाई को गवाह के जाति मामला से कोई सरोकार नहीं, ये कानूनी अखलाकी हर एतबार से गलत। मिस्टर रमेश, मुझे यकीन है इस किस्म के सवाल से जो नतीजे निकलते हैं उसका आपको पूरा एहसास है। यस माय लॉर्ड, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी और मौत का दारोमदार इन सवाल पर है, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इन सवाल की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिसेस दयाल, क्या आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं गीता की सौगंध खा के कहती हूँ, अगर मैंने जीवन में किसी को अपना देवता माना है तो वो मेरे स्वर्गवासी पति थे। मैंने देवता के बारे में नहीं पूछा। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ तो आपको पता है कि मिस्टर दयाल लीलावा आपके किसी दूसरी औरत से मोहब्बत? ये झूठ है। मैं अपने पति के चाल चलन के बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। आप उनके नाम पर गंदगी नहीं उछाल सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर दयाल सिवा आपके और किसी को नहीं चाहते थे? निराशक। उन्हें आपकी मोहब्बत का पूरा भरोसा था? पूरा भरोसा। उन्हें आपके बारे में कोई शक नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो फिर मिस्टर दयाल ने अपने वसीयत नामे में आपको जायदाद से महरूम क्यों किया? किस लिए आप पर बच चलने का इल्जाम लगाया? किस लिए आपको नाकाबिले भरोसा और बदकार ठहराया? जवाब दीजिए। ये झूठ है, सरासर झूठ। लेकिन मिस्टर दयाल की यह तहरीर झूठ नहीं हो सकती। माय लॉर्ड, यह है स्वर्गवासी मिस्टर दयाल का वसीयतनामा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर बच चलने का इल्जाम लगाया है और उन्हें अपनी जायदाद से महरूम किया है। क्या वकीले सफाई बता सकते हैं कि दयाल साहब का यह वसीयतनामा उन्हें कैसे मिला? माय लॉर्ड, यह राज बताने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे चंचल देवी से कुछ और सवाल करने दिया जाए। इजाजत। चंचल देवी, मेरे सवालात का जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या आपको इस वसीयत नामे के बारे में कुछ खबर थी? नहीं। क्या प्रकाश बाबू को खबर थी? मुझे नहीं मालूम। जिस रोज मिस्टर दयाल का हादसा हुआ आप दोनों दरिया किनारे पिकनिक के लिए गए थे? जी हाँ। वहाँ आपके अलावा तीसरा कोई नहीं था? जी नहीं। तो फिर आपकी मोटर के टायर को चाकू से काट कर पंचर किसने किया? जवाब दीजिए। मुझे नहीं मालूम। चूंकि आपकी मोटर पंक्चर थी इसलिए आप दोनों कश्ती में बैठ कर जाना चाहते थे। जी हाँ। कश्ती में चप्पू वहाँ तैयार खड़ी थी लेकिन मल्लाह पास नहीं था। जी हाँ। आपको तैरना आता है? जी हाँ। दयाल साहब को तैरना नहीं आता? जी नहीं। और ये बात उस इंसान को मालूम थी जिसने आपकी मोटर का टायर चाकू से काटा, जिसने कश्ती और चप्पू दोनों मुहैया किए और जिसने आपके साथ मिलकर मिस्टर दयाल को पानी में धकेला और जब वो डूब रहे थे? झूठ है, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था। आपने पहले भी यही कहा था और उस वक्त दुनिया ने आपकी बात मान ली थी लेकिन आज नहीं मान सकती। आपके साथ वहाँ प्रकाश बाबू थे और इस बात की गवाही ये मल्लाह देगा। ये है वो मल्लाह माय लॉर्ड। ये सरासर धोखा है माय लॉर्ड। मिस्टर रमेश पैसा देके इस मल्लाह को मेरे खिलाफ गवाही देने लाए हैं। जब तक भगवान बेगुनाहों के साथ है मुझे दौलत से इंसान खरीदने की जरूरत नहीं। आप अपने गुनाहों पर पारसाई के लाख पर्दे डालें लेकिन बेगुनाह का खून पुकार पुकार के कहता है कि मुजरिम कौन है, आज फिर झूठ और सच का इम्तहान है और इंसाफ कह रहा है कि मिस्टर दयाल का खून मिस्टर प्रकाश ने और मिस्टर प्रकाश का खून आपने किया। मिस्टर दयाल का खून इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये वसीयतनामा लिखा और मिस्टर प्रकाश का खून इसलिए क्योंकि ये वसीयतनामा उनके पास था और इसकी बदौलत वो आपसे हजारों की रकम ऐंठ रहा था। मिस्टर दयाल का खून आपके हाथों ना सही लेकिन आपकी नजरों के सामने आपकी मदद से और आपके इशारे पर हुआ। मिलार्ड, मैं अदालत को फिर से याद दिलाऊंगा कि यह मुकदमा प्रकाश बाबू के खून से ताल्लुक रखता है ना कि मिस्टर दयाल की मौत से। वकील सफाई ने जोर बयान और ख्यालात की उड़ान से एक अजीब और गरीब दास्तान तैयार की है लेकिन सबूत एक नहीं पेश किया। मिस्टर दयाल की मौत के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा हो सकता है वो किसी हद तक सही हो लेकिन इस हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि प्रकाश बाबू का खून मुजमा शांति देवी के हाथों हुआ। ये सही है कि उस कमरे की दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है और गोली भी दाहिनी तरफ लगी लेकिन ये महज एक इत्तफाक है। ये इत्तफाक शक में जरूर डाल सकता है लेकिन पाप को नहीं छुपा सकता, इसलिए कि मुल्जिमा ने गोली चलाने का इकरार किया है, इसलिए कि कत्ल के वक्त कमरे में वही दोनों थे, इसलिए कि कमरे के बाहर चंचल देवी के होने का कोई सबूत नहीं। मेरे मुअज्जज दोस्त वकील सफाई का सारा जोर बयान और ड्रामाई अंदाज एक गुनहगार को नहीं बचा सकता और यह साबित हो चुका है कि गुनहगार चंचल देवी नहीं मुल्जिमा शांति देवी है। ऑर्डर ऑर्डर। वकील सफाई को मुल्जिमा के बचाव में कुछ और कहना है? यस माय लॉर्ड। चंचल देवी इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि मिस्टर प्रकाश भागकर आपके कंपाउंड में पनाह लेने आए थे। क्या बता सकती हैं कि वो आपके यहाँ भाग के क्यों गए, कहीं और क्यों नहीं गए? आपके इस सवाल का जवाब खुद मिस्टर प्रकाश दे सकते थे अगर वो जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते तो क्या आपको भी यकीन है कि वो मर चुके हैं? उनकी मौत का सारी दुनिया को यकीन है सिवाय आपके। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो लेकिन कल रात जब मैं आपके मकान के पास टहल रहा था तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। आप जानती होंगी कि आपके कंपाउंड में टूटा हुआ स्टबल है
मैंने देखा कि रात की तारीखी में एक इंसान अस्तबल की छपरैल हटाकर निकला और बागीचे में कूद कर भागा। उसका लिबास काला था, हाथ में डंडा और वो लंगड़ा के चल रहा था, बिल्कुल मिस्टर प्रकाश की तरह। ये झूठ है, सरासर बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है चंचल देवी, वरना ये वसीयतनामा मुझ तक न पहुँचता। कानून इंसाफ से मुंह मोड़ ले, जमाना मासूम को सूली पर चढ़ा दे। लेकिन आप जानती हैं प्रकाश पर गोली किसने चलाई। लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि जिसे आपने मुर्दा जाना था वो मुर्दा नहीं, जिंदा है, और उसके साथ कानून जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। यकीन आए तो वो देखो। वो तुम्हारा पाप साबित करने को आज कफन उतार कर गवाही देने को आया है। इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाचाश किया है, और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए है फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। कानून की तारीख गवाह है कि खून मुजरिम के सर चढ़ के बोलता है। इसी कानून और इसी इंसाफ की पकड़ आज आपकी गर्दन पर है चंचल देवी। देखिए इस इंसान को, यही है वो जिस पर आपने गोली चलाई, जिसे आपने मुर्दा जाना, यही है वो जो हर पाप में आपका साथी है। गीता की सौगंध खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, वरना मौत में दूबर हो जाएगी। बोलिए खून किसने किया है, वरना प्रकाश की जबान आपके सारे राज खोल के रख देगी। बोलिए असली मुजरिम कौन है, वरना प्रकाश जमाने को अपने सारे दांत दिखा देगा। बोलिए गोली किसने चलाई, वरना प्रकाश का खूनी हाथ आपकी गर्दन पर। मैंने गोली चलाई, मैंने तुम्हें मारना लगा, इसलिए कि तुम मेरे पति के कातिल हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जाओ। आपका ख्याल ठीक है चंचल देवी, प्रकाश बाबू वाकई मर चुके हैं और उनकी लाश वहीं है जहां आपने उसे छिपाया है। माय लॉर्ड, चंचल देवी ने अपने जुर्म का इकबाल किया, मुझे और कुछ नहीं कहना। ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि मुसम्मा चंचल देवी ने इकबाल जुर्म किया है, इसलिए हुक्म दिया जाता है कि उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया जाए और मुसम्मा शांति देवी को इज्जत के साथ रिहा किया जाता है। थैंक यू माय लॉर्ड। Congratulations, Ramesh, you are wonderful. Excellent. माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दी।